मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। पिछले 40 साल से आगरा में एज ए गुदा रोग विशेषज्ञ, एज ए लेजर सर्जन, एज ए लेजर सर्जन, एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा कि अपने डॉक्टर का चुनाव किस तरह करें। मेरे पास बवासीर के बहुत सारे मरीज आते हैं। बवासीर से मेरा मतलब है जो बीमारियाँ गुदा मार्ग पर होती हैं। गुदा मार्ग पर बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है, एप्सिस है, प्रोलेप्स है, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शंस है, टैक्स है, प्रोलेप्स है और कैंसर। तो अगर आपको कोई भी गुदा मार्ग पर परेशानी हो रही है तो तुरंत आपको एक एक्सपर्ट गुदा रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। अब आज मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि अपने डॉक्टर का चयन, अपने गुदा मार्ग रोग स्पेशलिस्ट का चयन कैसे करें। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सपीरियंस। जिस डॉक्टर का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, जो अपने काम में एक्सपर्ट हो, उसको आपको चयन करना चाहिए। जैसे जैसे डॉक्टर का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वो मरीज़ की समस्या को बहुत अच्छी तरह से और बहुत कम शब्दों में समझ सकता है। जो जिसको एक्सपीरियंस जिसका कम है, उसको समझने में थोड़ी सी भूल हो सकती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एडवांस मॉडर्न टेक्निक। अगर एक्सपीरियंस है लेकिन अगर आपका जो गुदा रोग विशेषज्ञ है उसके पास मॉडर्न टेक्निक्स नहीं है, तो वो आपके इलाज के लिए उन मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ऐसा डॉक्टर का चयन करें जो एक्सपीरियंस के साथ साथ मॉडर्न मेथड्स में भी डील कर रहा हो। और तीसरा बेहद ही खास पॉइंट है कि जो आपका चिकित्सक है, जो गुदा रोग विशेषज्ञ है, जो प्रोक्टोलॉजिस्ट है, क्या वो पहली विजिट में ही ऑपरेशन बता देता है। डॉक्टर को कंजर्वेटिव अप्रोच होनी चाहिए। मैंने देखा है मेरी प्रैक्टिस में 90% तक बीमारियों को मैं बिना ऑपरेशन के ठीक कर देता हूँ। तो उस डॉक्टर का चयन करें जो बीमारियों को ज़रूरत पड़ने पर ही उनका ऑपरेशन करे, हर एक मरीज़ को हर एक बीमारी के लिए ऑपरेशन ना कर दे। चौथा, ऐसे चिकित्सक का चयन करें जो आपकी बात को ध्यान से, शालीनता से और आराम से सुन सके। अगर डॉक्टर बहुत हड़बड़ी में है तो वो आपकी बात सुन ही नहीं पाएगा, और आपकी बात को जब सुन ही नहीं पाएगा तो वो आपकी कष्ट को नहीं समझेगा, आपकी बीमारी को नहीं समझेगा। ऐसे डॉक्टर को चुनें जो आपकी बीमारी को सहजता से दूर करना चाहे। अगर आप इन चारों बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने डॉक्टर का चयन अच्छी तरह से कर सकेंगे। आजकल लोग वह गूगल पर रेटिंग देखते हैं। रेटिंग देखते समय इस बात का ध्यान रखें कि आजकल हर चीज़ खरीदी जा सकती है, रिव्यूज़ भी खरीदे जा सकते हैं। मेरी राय में डॉक्टर्स की क्लिनिक या हॉस्पिटल विजिट करें, वहाँ पर देखें, जो दूसरे पेशेंट आए हुए हैं उनसे बात करें। अगर किसी ने इलाज लिया है डॉक्टर से, उससे बात करें, जिससे आप अपनी धारणा अपने डॉक्टर के बारे में बना सकते हैं और डॉक्टर का सही चयन कर सकते हैं। क्योंकि बीमारी के क्योर करने के लिए सही डॉक्टर का चयन बहुत आवश्यक है। थैंक यू। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9837144287। थैंक यू।